जय हिंद अस्सलाम वालेकुम नमस्ते शस्त्रियकाल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है हेलो दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद इसराइल आज मैं आपको बताने वाला हूं द्वितीय सोपान के क्वेश्चन नंबर तीन के बी पॉइंट को बताऊंगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में दिया है कि दो लोगों के लिए खुले में साधारण व्यंजनों को पकाएं और चाय या कॉफ़ी बनाएं तो प्रत्येक स्काउट गाइड रोवर रेंजर को खाना बनाने व उसे परोसने का ढंग सामग्री बर्तन आदि की अच्छे प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए या होनी चाहिए तो प्रत्येक स्काउट गाइड को खुले स्थान पर कम से कम दो व्यक्तियों के लिए भोजन तैयार करना पड़ता है तो सबसे पहले आपको सभी सामग्री को इकट्ठा करना है आप जिस प्रकार का भोजन बनाएंगे पहले उसकी सूची या लिस्ट बना लें उसके बाद स्काउट गाइड रोवर रेंजर जब भोजन बनाएं तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय आपको उस भोजन को बनाने में आपका समय और परिश्रम लगने चाहिए जिसमें स्काउट गाइड रोवर रेंजर को उसके समय परिश्रम व अनुभव को प्रत्येक स्काउट गाइड रोवर रेंजर उसे महसूस करे यानी कि भोजन बनाने का एहसास होना चाहिए कि हमें भोजन को बनाने में मेहनत और अनुभव का एहसास हुआ है स्काउट गाइड रोवर रेंजर भोजन को दो प्रकार से बना सकता है पहला बिना बर्तन के भोजन बनाना और दूसरा बर्तन का उपयोग कर भोजन बनाना अब आप यहाँ आप अपनी स्थिति या परिस्थिति के अनुसार भोजन को तैयार कर सकते हैं तो पहला है बिना बर्तन के भोजन बनाना तो स्काउट गाइड रोवर रेंजर विषम परिस्थितियों में बिना बर्तन के भोजन को बनाते हैं जिसमें वह बर्तन का उपयोग नहीं करते हैं और भोजन बनाते हैं अगर बर्तन का उपयोग करते भी हैं तो प्रकृति से संबंधित वस्तु या चीज़ों से बर्तन को बनाते हैं जैसे केले के पत्ते पेड़ के पत्ते व एक दूसरे पत्ते गूँथ कर मिलाकर यानी पत्तों को पतली पतली लकड़ियों से सील कर प्लेट बनाते हैं समतल पत्थर को साफ कर आटा को गूदना चोखा को मसलना या बनाना इत्यादि की तरह बर्तन के कार्य के लिए उपयोग करते हैं या किया जा सकता है अब बात आती है कि हम क्या किया बिना बर्तन के भोजन बना सकते हैं तो बिना बर्तन के भोजन में सामान्य तौर पर बाटी चोखा उबले चावल व दाल हथ रोटी चटनी इत्यादि जो बिना बर्तन के आप बना सकें उस भोजन को बनाकर आप विषम परिस्थितियों में भोजन कर अपने पेट को भर सकते हैं इसके बाद है बिना बर्तन के भोजन पकाने या बनाने की विधि अब बात आती है कि कौन सा भोजन हमें बनाना है तो जिस प्रकार का भोजन होगा उस प्रकार की सामग्री का इंतजाम आटा गूँदने चोखा को बनाने व आग को जलाने या बनाने के लिए करना होगा जैसे बाटी चोखा के लिए जंगल से पत्ते गोहरी या ओपले जिसे देहात में कंडे या गोईठा के नाम से जाना जाता है उसे इकट्ठा करना होगा उसके साथ साथ कुछ सूखी लकड़ियों का भी इंतज़ाम करना होगा जिससे उबले यानी कंडे से आग को जलाया जा सके और बाटी चोखा या हथरोटी बनाया जा सके इसके बाद चावल और दाल को बनाने के लिए दो तीन घंटे पहले आप चावल व दाल को अपने स्कार्फ या किसी कपड़े में बांध कर पानी में भिगो दें और उसके बाद एक गड्ढा बनाएं गड्ढे को अच्छे से साफ कर थोड़ा सा पानी डालकर पलस्तर की तरह जिसे देहात की भाषा में लीपना कहते हैं उसे लीप दें उसके बाद कुछ देर तक छोड़ने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा आग लगाकर उसे सुखा दें जिससे अगल बगल की मिट्टी उसमें न गिर सके उसके बाद उसमें पानी को भरकर पहले से भिगोए गए चावल और दाल को एक गठरी नुमा कपड़े में ढीला बांधकर उस गड्ढे में डाल दें और ऊपर से लकड़ी को रखकर मिट्टी का लेप लगाकर उसके ऊपर आग को कुछ समय के लिए जला दें वह पक कर तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप उसे निकाल कर भोजन कर सकते हैं इसके बाद आप आटा की हथरोटी या तो उबले पर या चूल्हे पर बनाकर किसी समतल पत्थर को गर्म कर तवा या तावा की तरह बनाकर हथरोटी या रोटी को बना सकते हैं और चटनी बनाने के लिए पत्थर पर नमक मिर्चा लहसुन इत्यादि को रख कर उस पत्थर पर पत्थर से सभी वस्तुओं को पीस कर कुचल कर आप चटनी बनाकर भोजन कर यानी अपना पेट विषम परिस्थितियों में भर सकते हैं यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यह सब कार्य हमें एक सैनिक की भांति बिना बर्तन के विषम परिस्थितियों में भोजन को बनाकर अपने पेट को भर सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि बिना बर्तन के बनाए गए भोजन में स्वाद न हो लेकिन भूख लगने पर विषम परिस्थितियों में बिना स्वाद के भोजन को कर पेट की भूख को आया या भरा जा सकता है क्योंकि यह सारी चीजें आपको विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए बताई व सिखाई जाती है यहाँ आप एक सैनिक की भांति कार्य करते हैं जो हर परिस्थितियों का सामना बड़े ही साहसी भाव से करते हुए देश समाज की सेवा एवं एक स्काउट की भांति करते हैं एक स्काउट ही देश का सच्चा सैनिक होता है जो बिना किसी स्वार्थ के सीमा व समाज की सेवा या प्रहरी यानी पहरेदारी का कार्य करते हैं दूसरा है बर्तन का उपयोग कर भोजन को बनाना तो स्काउट गाइड रोवर रेंजर के पास यदि बर्तन उपलब्ध है तो वह किसी भी प्रकार का व्यंजन यानी भोजन तैयार कर सकते हैं जो उसे बनाना आता हो जैसे पूरी पराठा सब्जी दाल चावल कॉफ़ी खीर सेवई सूजी का हलवा पनीर खिचड़ी इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं किंतु एक बात का ध्यान रहे बर्तन व समय का प्रयोग कम होना चाहिए इसके बाद है बर्तन के द्वारा भोजन पकाने या बनाने व परोसने की विधि तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार का व्यंजन बनाना व परोसना होगा उस प्रकार के हमें बर्तन लगेंगे जैसे कढ़ाई भगौना प्लेट गिलास कटोरी तवा पलटा कलछुल चम्मच इत्यादि जो भी उपयोग के लिए बर्तन होगा वह बर्तन का इंतजाम आप कर लेंगे और जो भी भोजन बनाना होगा वह भोजन आप बना सकते हैं मैंने कुछ बर्तन के नाम लिए हैं जो हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ अलग नाम से जाना जाता होगा तो आप प्लीज़ मजाक में मत लीजिएगा हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज यानी भाषा होती है इसके बाद है कॉफ़ी या चाय बनाएं तो आपके पास आमतौर पर हाइक में या ट्रैकिंग में जाते समय आपके पास स्टील का गिलास या छोटा सा गिलास नुमा मग्गा होता है आप उसमें कॉफ़ी या चाय बना सकते हैं इस क्वेश्चन का उदाहरण स्वरूप आंसर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है आप वहाँ से लोड कर देख समझ और लिख सकते हैं तो दोस्तों स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी जय हिंद